हेलो, मैं नाजिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाजिया किचन रेसिपीज। आज की हमारी रेसिपी है स्ट्यू, बहुत ही मज़ेदार। आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऐसा करने से मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे सबसे पहले। हमारे चैनल पर स्ट्यू की एक रेसिपी और है जो शादियों वाला स्ट्यू है और अक्सर शादी पार्टीज में बनाया जाता है, तो वो स्ट्यू भी बहुत मज़ेदार लगता है, तो आप वो भी ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मज़ेदार स्ट्यू बनाना शुरू करते हैं। आपके सामने है ये इंग्रेडिएंट की लिस्ट जिनके इस्तेमाल से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और परफेक्ट स्ट्यू। स्ट्यू बनाने के लिए हमने ये आधा किलो लिया है गोश्त और 1 किलो ली है प्याज, इस तरह से बारीक कटी हुई। जब भी आप स्ट्यू बनाएं बस ध्यान रखना है जितना आपने गोश्त लिया है उससे डबल आपको प्याज लेनी है। अगर आप आधा किलो गोश्त का स्ट्यू बना रहे हैं तो 1 किलो प्याज लें, अगर आप 1 किलो गोश्त का स्ट्यू बना रहे हैं तो आप 2 किलो प्याज ले लें। तो ये तो हुआ गोश्त और प्याज, चलिए अब आगे देख लेते हैं। हमने हरी मिर्च ली है 8 से 10 इस तरह से कटी हुई, एक टमाटर हमने लिया है बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां 6 से 7 हमने ली हैं, और ये हमने ऑयल लिया है 1.5 कप। स्ट्यू में ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप चाहें तो इसमें से कुछ कम कर लें। ये ली है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और ये लिया है 4 से 5 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, छोटे छोटे 3 टुकड़े दालचीनी के और थोड़ी सी जावित्री। ये है 6 से 7 साबुत लाल मिर्च। ये हमने कुटा हुआ 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून मोटा धनिया लिया है। नमक हम लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही हमने लिया है ये तेज़पत्ता। तेज़पत्ता आप 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गए स्ट्यू बनाने के सभी सामान, चलिए अब स्ट्यू बनाना शुरू करते हैं। ये देखिएगा हमने ऑयल गर्म कर लिया है, अब हमें ऑयल में ये प्याज ऐड करनी है। प्याज को बस हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और प्याज की जो कच्ची स्मेल होती है वो निकालनी है। आप भी ध्यान रखें जब आप स्ट्यू बनाएं तो प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज की कच्ची स्मेल निकालनी है। जैसे ही प्याज की कच्ची स्मेल निकल जाए तो प्याज में गोश्त ऐड कर देना है। ये देखिए प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, अब हमें इसमें गोश्त ऐड कर देना है। प्याज और गोश्त को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें ऐड करना है गर्म मसाला, ये भी ऐड कर लेते हैं। ये ऐड किया है नमक, ये है बारीक कटा हुआ लहसुन। चलिए अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमें ऐड करनी है हल्दी, ये ऐड किया है कुटा हुआ धनिया और सौंफ। अब जाएगी ये साबुत लाल मिर्च, इनको भी अब हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये ऐड कर देते हैं टमाटर और आखिर में जाएगा ये तेज़पत्ता। और हाँ, ध्यान रखना है पानी हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्याज में काफ़ी सारा पानी होता है और बस हमें 4 वेसल ही तो लगानी है, और अगर हम पानी ऐड कर देंगे तो वो हमें खुश करना पड़ेगा, बेवजह हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आप भी ध्यान रखें जब आप स्ट्यू बनाएं तो पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। चलिए अब लिड लगा लेते हैं और कुकर को 4 वेसल लगाएंगे। कुकर को जैसे ही 4th वेसल आएगी तो हमें गैस फ्लेम बंद कर देनी है। गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद हमें इंतज़ार करना है प्रेशर निकलने का। जब खुद सारा प्रेशर निकल जाए तब हमें लिड हटाना है। कुकर का सारा प्रेशर निकल गया है, अब हम ये लिड हटा देते हैं और देखते हैं गोश्त कितना सॉफ्ट हुआ है। एरोमा तो कह रही है बहुत ही मज़ेदार स्ट्यू बना है, और ये देखिएगा गोश्त भी बिल्कुल सॉफ्ट है।
और कलर तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। एक बार हमें फिर से गैस फ्लेम ऑन करनी है। गैस फ्लेम ऑन करने के बाद हमें ऐड करनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हमें स्ट्यू को 2 मिनट और पकाना है। दो मिनट हो गई हैं, अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा मज़ेदार स्ट्यू बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। स्ट्यू बहुत ही कमाल का बना है। मुझे इस तरह से बना हुआ स्ट्यू बहुत पसंद है और बनाना भी इसको बहुत आसान है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हमारे चैनल पर स्ट्यू की एक रेसिपी और है, वो रेसिपी भी आप वॉच करें, बनाएं, मज़े करें, इंजॉय करें। जल्दी मिलते हैं एक ज़बरदस्ती नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।